हाय हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू निशास वर्ल्ड। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। बेल आइकन क्लिक करने में तो ऑल वाला ऑप्शन को भी क्लिक करना है ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को मिले सबसे पहले। के साथ शेयर करने वाली मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है फाउंडन केक की रेसिपी, जो बहुत ही आसानी से हम बना सकते हैं घर में ही। चलिए स्टार्ट करते हैं फाउंडन केक बनाने की रेसिपी। सबसे पहले हम वनीला स्पॉन्ज केक बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक कटोरी में चलनी रख दी है, फिर उसमें हाफ कप मैदा डाल दिया, 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ऐड किए, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। इन चारों को अच्छे से छानेंगे, 3 बार छानना है, जरूरी है, बात ध्यान रखिएगा। देखिए मैंने छान के इसको मिक्स करके साइड रख देंगे। फिर एक क्लीन बोल लेंगे, उसमें 2 एग ऐड करेंगे, उसमें 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस, 1 पिंच सॉल्ट। फिर इसको बीट करेंगे, बीट करके जैसा ही ये फ्लफ़ी होना स्टार्ट हो जाएगा, हम उसमें हमारा पाउडर शुगर ऐड करेंगे, 1/2 कप पाउडर शुगर ऐड करेंगे। सारा पाउडर शुगर एक साथ ऐड नहीं करना, बैच वाइज ऐड करेंगे। देखिए मैंने पहला बैच ऐड कर दिया, अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम दूसरा बैच ऐड कर देंगे, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हमारा फाइनल बैच ऐड करके इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे, और तब तक बीट करेंगे जब तक ये एग का कलर अच्छे से प्योर वाइट ना हो जाए। ये देखिए आप देख सकते हैं वाइट हो चुका है। अब हम इसमें 1/4 कप ऑयल ऐड करेंगे। देखिए 1/4 कप ऑयल ऐड कर दिया, इसे मिक्स करेंगे। फिर हम इसको हटा के स्पैचुला की मदद से हम इसमें हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। सारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स एक साथ ऐड नहीं करना है, बैच वाइज ऐड करेंगे। देखिए मैंने पहला बैच डाल दिया कट एंड फोल्ड मेथड में, इसको मिक्स कर देंगे। चलिए दूसरा बैच ऐड कर देंगे, इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे कट एंड फोल्ड मेथड में। ये देखिए लास्ट बैच भी ऐड कर दें, फिर इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए मैंने 6 इंच का मोल्ड को ग्रीस करके रख दिया था, हम उसमें हमारा बैटर पोर कर देंगे। देखिए सारा बैटर मैंने पोर कर दिया है, आप देख सकते हैं। पोर करने के बाद हम इसे टैप करेंगे ताकि एयर बबल्स रिमूव हो जाए। केक को मैंने 35 मिनट के लिए बेक कर दिया था, और बेक करते वाला बहुत सारा वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया, इसीलिए मैंने इस वीडियो में अपलोड दिखाया नहीं, और नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। देखिए मैंने केक बेक होने के बाद 10 मिनट के बाद डीमोल्ट किया। डीमोल्ट करने के बाद मैंने बटर पेपर निकाल दिया। बटर पेपर आप 10 मिनट के बाद निकालेंगे तो आपको बटर पेपर आसानी से निकल जाता है, और केक देखिए बहुत सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी केक बना है हमारा। मैंने केक को 3 लेयर में कट कर दिया, और 1/2 कप व्हिपिंग क्रीम को अच्छे से स्टिप बीट कर दिया। व्हिपिंग क्रीम को कैसे बीट करते हैं उसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड किया, अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन में दे दूंगी, ज़रूर जाके देखिएगा। फिर हम केक बोर्ड लेंगे, उसमें थोड़ा व्हिपिंग क्रीम अप्लाई करेंगे। व्हिपिंग क्रीम अप्लाई करने के बाद हमारा 1st लेयर रखेंगे, उसे शुगर सिरप से अच्छे से वेट करेंगे। शुगर सिरप से अच्छे से वेट कर देंगे, फिर उसमें व्हिपिंग क्रीम अप्लाई करेंगे। फाउंटेन मोस्टली बटर क्रीम से आप बनाते हैं, बट मुझे बटर क्रीम उतना पसंद नहीं है, इसीलिए मैं व्हिपिंग क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। और वाइट गनाश, चॉकलेट गनाश से भी आइसिंग कर सकते हैं। अगर आपको वाइट चॉकलेट गनाश का फाउंडन केक की रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोग के साथ। चलिए पहले लेयर में व्हिपिंग क्रीम अच्छे से अप्लाई हो चुका है, अभी हमारा 2nd लेयर रखेंगे, उसे भी अच्छे से शुगर सिरप से वेट कर देंगे। शुगर सिरप से वेट करने के बाद इसमें भी हम व्हिपिंग क्रीम अप्लाई कर देंगे। देखिए अच्छे से अप्लाई करेंगे व्हिपिंग क्रीम। व्हिपिंग क्रीम अप्लाई करने के बाद हमारा लास्ट लेयर रखेंगे, उसमें भी शुगर सिरप से अच्छे से वेट कर देंगे, फिर इसे भी व्हिपिंग क्रीम से अप्लाई कर देंगे व्हिपिंग क्रीम। फिर हमारा 1/3 लेयर दे देंगे व्हिपिंग क्रीम का, पूरा केक को 1/3 लेयर से कोट कर देंगे व्हिपिंग क्रीम का, 3 लेयर से। देखिए 3 लेयर से कोट कर दिया मैंने। फिर मैंने केक को फ्रिज में रख दिया। मैंने यहाँ फाउंडन लिया, वाइट फाउंडन। फाउंडन का रेसिपी मैंने पहले ही आप लोगों के साथ शेयर किया, अगर आपने अभी तक नहीं देखा जाके देख के मैं आई बटन में दे दूंगी। फाउंडन घर में कैसे बनाते हैं, उसमें कलर कैसे ऐड करते हैं, सबका रेसिपी मैंने पहले ही अपलोड किया, आज जाके ज़रूर देखिएगा, मैं आई बटन में दे दूंगी। चलिए मैंने थोड़ा फाउंडन में कॉर्नफ्लावर डाल के इसको बेल देंगे हम।
मैंने हमें बेलन की मदद से बेल देंगे। चलिए बेलेंगे हम इसे अच्छे से। आपको फाउंडन लगा, जो हमारा फाउंडन को कॉर्नफ्लावर लगा के या तो आइसिंग शुगर लगा के बेलना है, वरना आओ आपका काउंटर टॉप या तो आपको बेलन में चिपक जाएगा फाउंडन। ये देखिए मैंने बेल कर इतना बड़ा कर दिया है। अब हम इसे केक के ऊपर रखेंगे, इसे निकाल देंगे। पहले ध्यान से निकालेगा वरना ये टूटने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। चलिए मैं इसे निकाल देती हूँ। देखिए केक रख दिया, अभी केक के ऊपर हम इसे रख देंगे। ध्यान से रखिएगा। केक के ऊपर रखने के बाद उसे एक स्मूथर की मदद से सेट कर रही हूँ। आप ध्यान से करिएगा, अगर आपके पास स्मूदर नहीं है तो आप हाथ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं स्मूथ। फिर उसके जो एक्स्ट्रा पीसेस है उसको मैंने एक पिज़्ज़ा कटर से कट कर दिया। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है आप नाइफ़ की मदद से भी कट कर सकते हैं। फिर जो भी एक्स्ट्रा पीसेस है सब उस रिमूव कर देंगे हम कट करके। ध्यान से करिएगा, देखिए मैं भी जो जो बचा है साइड में सब निकाल देंगे। चलिए हम सारा निकाल देते हैं। सारा निकालने के बाद हम उसे स्मूदर की मदद से और हाथ की मदद से इसे अच्छे से राउंड करेंगे, हमारा जो फाउंडन केक है। देखिए आप देख सकते हैं ऐसा आपको अच्छे से स्मूद और राउंड करना होता है, अभी आपका केक का शेप आएगा उसमें। देखिए मैं हाथ से भी कर कर दिखा रही हूँ आपको कैसे करना है। देखो देख सकते हैं एकदम क्लीन रोल हो गया। अब मैंने फाउंडन में रेड कलर ऐड करके रेड फाउंडन बना दिया। ये कैसे बनाते हैं इसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड किया, आप ज़रूर जाके देखिए फाउंडन की रेसिपी, उसमें आपको मिल जाएगा। फिर इसे बेल देंगे अच्छे से। अब मैं नीचे में रिबिन लगाने की तरह ये रेड फाउंडन लगाऊंगी। चलिए उसके लिए मैंने इसको अच्छे से बड़ा सा बेल दिया है। फिर इसे कट करेंगे हम। मैं यहाँ में एक नाइफ ले रही हूँ ताकि मुझे एक क्लियर मिले। ये देखिए मैंने एक रिबिन कट कर दिया, उसमें से एक पीस कट कर दिया। ऐसा मैं तीन पीस कट करूँगी। देखिए आप देख सकते हैं, देखिए मैंने दूसरा भी कट कर दिया, फिर और एक कट कर देंगे हम। चलिए अभी हम इसे केक में लगा देंगे। मैं आपको केक में लगा कर दिखाऊँ, केक के नीचे साइड में हम लगाएंगे। आपको इसको स्टिक करने के लिए थोड़ा सा पानी का मदद ले सकते हैं, थोड़ा पानी अप्लाई करके ये आराम से स्टिक हो जाता है। देखिए मैंने दो में ही कंप्लीट हो गया था हमारा। फिर स्मूथर की मदद से अच्छे से स्मूथ कर देंगे इसे। देखिए अच्छे से लग चुका है हमारा। अब हमारा ऊपर का डेकोरेशन के लिए मैंने वही रेड फाउंडन को हार्ट शेप में कट कर दिया। ये कुकी कटर है, अगर आपके पास कुकी कटर नहीं है तो कोई भी शेप का कटर से आप कट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने कट कर दिया कुकी कटर से हार्ट शेप में। मैं हार्ट शेप में डेकोरेट कर रही हूँ। चलिए सब कट कर देते हैं, जितना मुझे चाहिए मैं उतना कट कर दूँगी। देखिए अब चलो इसे चिपका कर दिखाती हूँ। देखिए पानी अप्लाई करना है आपको थोड़ा सा, फिर आपको जहाँ चिपकाना है उसे रख दीजिएगा, स्टिक हो जाता है ये। ये देखिए मैंने ऐसा डेकोरेट किया है। फिर मैं नीचे एक मोती बना रही हूँ, उसके लिए मैंने एक कैप लिया है, जो हमारा पेन का कैप होता है उसको मैंने रेड फाउंडन से कट कर दिया। उसको कट करके रख देंगे ताकि हमें एक मोती का शेप मिले। चलिए एक तरफ मैं फुल उसी से डेकोरेट करूँगी। ये देखिए मैंने वो कैप से कट करके सारा निकाल दिया। अभी इसमें चिपका देंगे पानी की मदद से। पानी अप्लाई कीजिएगा तभी आपका स्टिक होगा फाउंडन उसमें। ये देखिए चलिए फुल कर देते हैं हम। मैंने पूरा कर दिया है सारा, और मैंने एक हार्ट शेप में हैप्पी बर्थडे भी लिख दिया। एक ऐसे लिखना है, इसका वीडियो मैंने पहले अपलोड किया, अगर आपने नहीं देखा तो मैं आई बटन में दे दूंगी, ज़रूर जाके देखिएगा।
ये हमारा केक का फाइनल लुक। अब मैंने थोड़ा सिल्वर एंड व्हाइट शुगर बॉल से डेकोरेट कर दिया। बाकी डेकोरेशन आप अपने मर्जी से कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग निशास वर्ल्ड।